लिया कि हम नहीं आ रहे हैं, अगर आते तो अब तक का कबे का सेंटिंग खुल गया रहता यहाँ का ना, खुल जाता कि नहीं? हाँ, कबे खुल गया, हल्ला करके खुलवा दिए रहते हम। और ये अभी दोनों आदमी नहीं है तो मैं अकेले आता हूँ यहाँ पे। हेलो माय ड्यूटी फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग जो है वो मैं अकेले यहाँ पे अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी घर पे कोई है भी नहीं, तो घर पे अभी हम ही हैं। और घर पे होने के बाद से खाना वाना जो है सुबह में मम्मी बना के चली गई हैं गाँव पे, और वहां जाने के बाद से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि जैसे पापा और मम्मी जो घर जो स्कूल बनवा रहे हैं उसमें काफ़ी डिले हो गया है। पापा जी पैसा अर्न करते हैं और लगा देते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर थोड़ा दिन रुक जाते हैं, तो फिर उसके बाद से मतलब वो धीरे धीरे बन रहा है। और उसी में बहुत सारा अच्छा अच्छा न्यूज़ भी आप लोगों को आने वाला है कुछ दिनों में। तो बस आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को अब बता देते हैं कि काफ़ी दिनों बाद जो है वो आप लोगों को स्कूल भी देखने को मिलेगा कि कहाँ तक काम पहुँचा है। बहुत सारा काम जो है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है और आप लोग देखिए और खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए कि वो जल्दी से बन के तैयार हो जाए, क्योंकि मेरा जो शादी होने वाला है वह शायद वहीं से होगा और वहीं से मतलब स्टार्ट होगा, तो उसको बनवाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो चुका है। क्योंकि वहाँ से होने का मतलब है कि अगर वो सब लोग जो है आएंगे, देखेंगे, रहेंगे, सब कुछ काम अभी उसमें बहुत बाकी है, तो अगर देखते हैं कि लोन वोन का कुछ हो जाता है तो जल्दी से हो जाएगा। पर अभी आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और मम्मी जो है आप लोगों को दिखाएंगी आज, थोड़ा छोटा मोटा जो है टूर करवाएंगी जिसमें आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है उनका प्लानिंग में। और फिर उसके बाद से आप लोग चलिए मिलवाते हैं और वीडियो को आगे लेके चलते हैं सिमी से। सिमी देखिए देखिए कितना खुश हो गई है, इसका नाम पकड़ते पकड़ते एकदम खुश हो जा रही है। और अब सिमी खाना खाई हो, पेट दिखाओ। सिमी इधर देखो, बनना क्या देख गाइस। ये आप लोग को बता देते हैं कि ये जो है ये मेहंदी है, ठीक है। ये कुछ लग गया है क्या? तो गाइस आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता होगा कि जब मम्मी को एक जब हो रहा था एनिवर्सरी, तो उस दिन एक बाबू जो था वो एक गिफ्ट दिया था नाक में का, जो कि बहुत ही प्यारा था। तो वो और कोई नहीं था, वो लड़का भी आया हुआ है आज, वैसे मिलने आया था पापा मम्मी से। तो चलिए इनसे इससे भी बात करवाते हैं और आप लोग देखिए कैसे ये जवाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं। तो अब आप लोग बताइए कैसे हैं आप? आप गिफ्ट क्यों खरीदे थे इतना कीमती? गिफ्ट कीमती कहाँ था, गिफ्ट की कीमत नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी गिफ्ट में, क्या कुछ खास तो नहीं था गिफ्ट, नोज पिन था। तो मम्मी क्यों गुस्सा हो गई थी? मम्मी गुस्सा इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस स्कूल जो है मैनेज हो रहा है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसलिए गुस्सा हो गई कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा। तो कैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद? बहुत बढ़िया लगता है यहाँ आने के बाद, ये पूछने वाली बात है, ये तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, तो एकदम मज़ा ही मज़ा आया पूरा था यहाँ पे। आप हैं, सर हैं, मैम हैं, सभी लोग काफ़ी बहुत बढ़िया हैं, दिल के क्या करना है, सब बहुत अच्छे हैं ही सभी लोग, सभी लोग बहुत बढ़िया हैं, सभी लोग बहुत मुझे प्यार करते हैं, सचिन भी, अभी आप भी, सभी लोग, सभी लोग, मैं बहुत ही लकी हूँ जो आप सभी लोगों से मिलता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आने के बाद। तो गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जब भी आता है और जब भी ये मतलब मिलने आते हैं तो इसको एकदम घर के जैसा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं दूसरे जगह आया है, क्योंकि हम लोग भी इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं कोई भी चीज़ होता है। क्योंकि इनकी मम्मी जो थी वो मेरे मम्मी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त थी, कभी भी आती थी झोला में मतलब वेजिटेबल जरूर लेके आती थी। ताकि मैं नहीं लाता हूँ, मैं नहीं ला पाता हूँ क्योंकि मुझे अकेला आना होता है, माँ आती थी तो पापा के साथ आती थी, और अभी दोनों आदमी नहीं है तो मैं अकेले आता हूँ यहाँ पे, तो दिक्कत होता है ले जाने में। पहले क्या होता था कि
चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी इनकी आती थी तो जरूर सब्जी लेके आती थी। अरे सब्जी अभी भी हमारे होते हैं लेकिन अब ये है कि लाने वाले मेरे साथ में कोई होता नहीं है, अब मैं मोटरसाइकिल से आता हूँ, अकेले आता हूँ और फिर दिक्कत है ऐसे। तो गाइस ये जो है पापा मम्मी जब रहते हैं तो ये पूरा मतलब पहले हम लोग मतलब जब थोड़ा ये छोटा था तो खूब गेम खेलता था, अब जो है ये गेम भी नहीं खेलता है, पूरा त्याग कर दिया है। गेम कुछ थोड़े रखा है। अब इसको हो गया है एक जिम्मेदारी जो की है इसकी छोटी वाली सिस्टर को लेके। नहीं जिम्मेदारी तो है ही, मुझे अपनी खुद जिम्मेदारी है, उसकी भी तो है ही और मेरे साथ मैं खुद अपने एक तो उस समय जो था गाइस ये बहुत ही ज्यादा जब वो दिन आया था तो अकेला फील हो गया था, लेकिन पापा मम्मी जो है वो बहुत ही इसको मतलब मदद किए संभाले, मदद का मतलब है कि इन द केस इसके बुआ भी थी, सब लोग इनको बहुत सपोर्ट किया। मेरी बड़ी मम्मी जो थी वही काफी सपोर्ट की लास्ट टाइम में, सभी लोग आके और काफी बढ़िया से हेल्प किया। सभी लोग मौसी है मेरी या फुआ है मेरी, बड़ी मम्मी है, सर मैम है, सभी लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। इतना कम उम्र में जब जैसे ही ये 12 पास आउट हुआ था तो उसके बाद से इसको थोड़ा सा दिक्कत मतलब अब ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा ये इमोशनल भी हो रहा है अब, ठीक है। तो वीडियो को अब आप लोगों को लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे, यहाँ लड्डू भी बैठा हुआ है मस्त और यहाँ खेल रहा है। चलिए इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, अगर अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। वीडियो देखिए तो आज हम आ गए हैं अपने गाँव पे और यहाँ पे हमारा स्कूल बन रहा है जो बहुत दिनों से हम नहीं आए थे यहाँ, तो आप लोगों को दिखाएंगे। नहीं आने से क्या हुआ है कि ये बांस का सेंडिंग भी नहीं खुला है, हम लोग बहुत दिन से सीमान ही थे इसलिए ये सब बांस का सेंडिंग इसी तरह पड़ा हुआ है। तो ये बाथरूम का स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पे है एक और एक यहाँ है बाथरूम, ये गर्ल्स का है ये बॉयज का है, तो और ये ऐसे है कुछ इसका, यहाँ ऊपर जाने का सीढ़ी है, तो एक ये रूम है यहाँ और एक ये रूम है और उधर से भी बालकोनी हम छोड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग नहीं थे, नहीं आ रहे थे, इस वजह से ये सब काम पेंडिंग पड़ा था। यहाँ आंगन हम छोड़े हुए हैं जो लाइट के लिए, लाइट रहता है तो खूबसूरती लगता है मकान, और यहाँ भी एक रूम है तो आप लोग देख सकते हैं, ये बरामदा है और बरामदा आंगन के जैसा ही है, बहुत अच्छा लगेगा जब बन जाएगा। तो अभी सफाई का काम हो रहा है, एक ये रूम साफ सफाई हो गया है, वायरिंग भी हो गया है, तो ये सब रूम है और एक यहाँ भी रूम है, यहाँ गली का प्लास्टर चल रहा है, काम चल रहा है इसका, और ये रूम है एक यहाँ पर है। बहुत दिनों के बाद हम आए हैं ना, कम से कम कितना दिन हो गया होगा हम आए हुए, आपको 2 महीने ऊपर होगा। लिए कि हम नहीं आ रहे हैं, अगर आते तो अब तक का कबे का सेंटिंग खुल गया रहता यहाँ का ना, खुल जाता कि नहीं, खुल गया हल्ला करके खुलवा दिए रहते हम। और ये इसका एक यहाँ से दरवाजा है और ये इसको हम बनवाएंगे क्या ऑफिस, इसको ऑफिस बनाएंगे बच्चों का एडमिशन वगैरह के लिए। तो एक ये रूम है और एक यहाँ पे रूम है, इधर से भी जाने का रास्ता है, और एक यहाँ रूम है, सब पानी पानी हुआ है, ये प्लास्टर हो गया है तो आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये मेरा मेरे पसंद से ये बना है गाइस, यहाँ देखिए यहाँ लगेगा ग्रिल रेलिंग, और ये आगे का हम बनवाए हैं ऐसे कुछ डिजाइन जो यहाँ से सीढ़ी है, मेरा पर्स लेते आइएगा, यहाँ पर सीढ़ी है, ये सीढ़ी से हम लोग बाहर चले जाएंगे उतर के। और ये सीढ़ी कई फीट का है, 6 फीट का, 6 बाई कुछ का है ये सीढ़ी, पूरा चौड़ा बना है। और यहाँ मेरा फील्ड हुआ और ये 2 ठो है, एक गार्ड रूम के लिए रखे हैं और एक बुक का सब रहेगा, स्टोर बुक का रखेंगे कॉपी किताब वगैरह। और ये मेरा मेन गेट है और ऐसे इसका पेंटिंग हो गया है, अगले चल रहे हैं, ये पेंटिंग हो रहा है इसका, ये जो आगे का है इसका पेंटिंग हो गया है। तो आप लोग देखिए कैसा दिख रहा है देखने में, ये सब बना है,
सब डिजाइनिंग बना है। और अब इसी तरह इसको भी बनेगा थोड़ा सा अच्छा से। यहाँ ये मोटा पिलर है, एक यहाँ पर मोटा पिलर दिए हैं। यहाँ से ये सब बाउंड्री है, इस पर ग्राफ बनेगा बच्चों का और सीन सीनरी वगैरह बन जाएगा और फ्लावर यहाँ लग जाएगा प्लांट। और ये सब है तो यहाँ से सीढ़ी हो गया ऊपर जाने का, यहाँ से सीढ़ी है। और ये देखिएगा इस कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग निकल चलेंगे अंदर। तो ये सब है, ये ऐसे है, यहाँ पर रेलिंग लगेगा और दो तला ये सटा के बना है इसमें, तो बहुत खूबसूरत होगा जब होगा तो। और गाइस यहाँ से हम 4 फीट का गली छोड़े थे, यहाँ से ये 4 फीट का गली है लास्ट तक जा रहा है। और ये सब पेंट भी हो रहा है, वायरिंग हो गया है, अब फर्श का काम करवाना है। और यहाँ है देखिए,